हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली, सभी को आंतरिक प्रीति, शुभेच्छा और अभिनंदन। ये मैंने तुलसी पूजा किया था, जैसे मैंने बताया था कि डिवाइनली मुझे गाइड किया गया था नेक्स्ट वीक के लिए भी, तो मैंने उस दिन इस तरह से नारायण शिला बिठा के तुलसी मैया की पूजा की थी। बहुत तेज़ हवा चल रही थी लेकिन दिया जलते रहे, ये होती है सच्ची श्रद्धा। एनीवे, अभी हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जब हमारे कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अवेकनिंग के सिम्टम्स, पेन, रिबर्थ के सिचुएशन एक्सप्लेन किया था, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस तो उसके बाद हम सब कैसे महसूस करते हैं और हमारे साथ क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या घटनाएं, क्या क्या मिरेकल्स घटित होते हैं। और एक सवाल भी था कि जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं इसका क्या सिम्टम्स है, और एक सिस्टर ने पूछा था कि डिवाइन से और डीएम से डिफरेंस कैसे महसूस करेंगे, हम किन से कनेक्टेड हैं। जी, तो सारे एक साथ में मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। जैसे जैसे हमारे कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस चलते हैं, हमारे धीरे 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 कॉन्शियसनेस लेवल भी हाई होने लगते हैं। कुंडलिनी माता जब जागरण के बाद ऊपर जाती है तब एक एक चक्रास ओपन होने से एक एक बॉडी क्लियर होती हैं, जैसे हमारे सात शरीर भी हैं, मैंने कहा था ना, और आप सबको पता भी है। तो एक एक शरीर के जो भी अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे क्लियर होने लगते हैं, और उसके साथ साथ हमारे और अच्छे से मतलब ग्रो अप होते हैं और हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल भी हाई होते हैं और हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। ये जो फिजिकल बॉडी दिखते हैं ना, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आपको पता चल जाएगा इंटरनली। ओके, तो क्या होता है, आप कंप्लीटली शांति, पीस की अनुभव करते हो, कंप्लीटली पीस की अनुभव करते हो, शांत हो जाती है, बहुत आनंद आते हैं अंदर से, खुशी की अनुभव होती है, आपके अंदर से स्माइल आएगी, जो स्माइल जैसे सखा कृष्ण के स्माइल देखते हो ना, तो वो स्माइल से आप कनेक्ट कर पाओगे। कुंडलिनी अवेकनिंग के पहले या जब आप पेन में रहते हो तब आपकी जो स्माइल होती है वो क्या लगता है, आर्टिफिशियल। लेकिन इस वक्त जब आप कंप्लीट पीस में आ जाते हो, आपके कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी होती है, तो आपके जो स्माइल है बहुत सात्विक, एकदम सिंपल और हृदय की गहराइयों से होती है, और आप अचानक अपने आप में हंसते हो, खुद हंसते हो, खुद को देख के हंसते हो और खुश रहने लगते हो। 24/7 कुछ भी हो रहा है घटित बाहर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रीज़न है बिहाइंड, तो हो रहा है परिवर्तन के नियम, चेंजेस सब कुछ आप समझ जाते हो। अब कोई बड़ी घटना भी आपको बड़ा नहीं लगता है, आपको लगता है कि ये कुछ कर्मा था, कुछ कारण से हो रहा है और जो भी हो रहा है सही हो रहा है। यूनिवर्सल लॉ के साथ आप एकदम घुल मिल जाने लगते हो, कनेक्ट होने लगते हो, ठीक है। ट्रिगर करने भी कोई आ रहे हैं, अवॉइड तो करते हो, कोशिश करते हो जितना हो सके अवॉइड करना, लेकिन अगर कहीं नहीं हो, जवाब नहीं दो तो ज़्यादा ही हावी हो जाए सामने वाला, तब जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके मुंह से कुछ भी गलत वर्ड निकल जाता है या थॉट में कुछ भी गलत आते हैं, पनिशमेंट आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको कहीं भी चोट लग सकती है, कुछ भी अचानक से लगा, फिर आप ट्रिगर हो जाते हो, फिर आप सोचते हो अच्छा मैंने कुछ गलत बोल दिया था इसलिए मुझे तुरंत सज़ा मिल गई, बिकॉज यूनिवर्स उसको संचित कर्मा में नहीं रखते हैं, क्योंकि आप अभी क्लियर हो चुके हो। और आपको ये वार्निंग भी दिया जाता है कि कंट्रोल, चेंज, तो इसीलिए क्योंकि आपके हृदय चक्र ओपन हो चुके होते हैं कम्प्लीटली, इसलिए आप
यूनिवर्स को बहुत अच्छे से समझने लगते हो। आप समझ जाते हो हर चीज़ एक ही तत्व से बने हैं। वननेस को अब अच्छी तरह से समझने लगते हो कि हर किसी में मैं ही तो हूँ, प्रकृति मैं ही तो हूँ और हर चीज़ मेरी ही तो है। ये वाली फीलिंग आने लगती है, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल डिवाइन के आसपास पहुंच जाते हैं। तभी आप सबके साथ प्रेम भावना से रहना पसंद करते हो। लेकिन ट्रिगर करने वाले कार्मिक्स जो होते हैं ये पीछा नहीं छोड़ते हैं, बहुत बुरी तरह से आपके एनर्जी ड्रेनेज करने के लिए बार बार बहुत ज़्यादा आपको अब प्रत्याघात करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे बहुत संभाल के रहना है, अपने एनर्जीज़ को किसी भी कीमत पे ड्रेनेज होने नहीं देना है, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़ी मेहनत की कमाई है। अब आपके जीवन के उद्देश्य कुछ रह नहीं जाते, आपको अब चाहत ही नहीं बचती। अब आप समझते हो क्या फ़ायदा ये करके, क्या फ़ायदा वो करके, क्या करना है, सभी तो इल्यूजन है। करना है तो मानव कल्याण के लिए करो, दूसरों को शिक्षा दो, दूसरों को मदद करो। ऐसा नहीं है कि किसी को रोज़ खाना खिला दो, खाना खिला देने से उसकी आदत क्या हो जाएगी कि वो रोज़ खाना खाएंगे, कपड़ा लेने आएंगे तो वो कमाना छोड़ देंगे। उसको शिक्षा देना है कि आप भी ग्रो कर सकते हो। आप गरीब पैदा हुए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो, आप भी अमीर बन सकते हो। एजुकेशन दे सकते हैं, फ्री में पढ़ा दे सकते हैं, जो भी आपके टैलेंट है उसे सिखा सकते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, ये भी सोल पर्पस होती है। तो इस तरह से एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है, सिखाना है, काबिल बना देना है, ना कि उसकी आदत ख़राब करनी है। भिक्षुक का भीख देते रहोगे तो वो तो कभी भिक्षा छोड़ेंगे ही नहीं। तो जो समर्थ है, जो कोशिश कर सकता है, उसे आप कुछ ना कुछ काम सौंप सकते हो, दे सकते हो। तो इस तरह से आप सोल मिशन सोचने लगते हो। आप यूनिवर्स के साथ सोचते हो, जैसे मैं सखा कृष्ण को बोल दिया था आज तक जो भी सपना देखा कंप्लीट तो कर नहीं पाई, आधा अधूरा रह गया है, तो अभी जो सपना है मेरे अकेले का नहीं है, आप देखो मेरे सपने, आप देखो। तो फिर मुझे जैसे गोमाता पालन, गुरुकुल, ये सारे चीज़ें आने लगे। तो मैं और सखा कृष्ण साथ में देखे हैं सपने, अब ये पूरे होके रहेंगे और शुरुआत हो चुकी है। तो जो भी हो, इस तरह से आप सपने देखो, इस तरह से आप बड़ा बड़ा अपना जो भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप सोचोगे। आपको सोचना ही है और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। धरती का जो इल्यूजन है, जो भी मतलब कमाओ खाओ, हाँ मनी इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा जॉब या बिजनेस तो आपको करना आवश्यक है, वो तो आप करोगे क्योंकि घर परिवार सब कुछ चलाना भी है, तो वो आप ज़रूर सोचें। लेकिन जो मतलब बस बहुत कुछ बन जाना है, मिलीनियर बन जाना है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे इकट्ठा करना है, ये सारे चीज़ें और बचता नहीं, क्योंकि आप समझ जाते हो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो आप शिक्षा दे के कुछ अच्छा करके जा सकते हो। मदर टेरेसा, विवेकानंद, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जैसे आपके जो भी टैलेंट है आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ भी करो, ये आपको अब अनुभूति होने लगते हैं। तो आप अभी इस पे वर्क करने लगते हो, अपने इनर टैलेंट तो आपने किया ही था, अब उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। जो भी आपके ऊंट्स थे, जो आप परेशान थे जिस जिस कारण से, तो आप चाहोगे कि उसको क्या करो कि लोग आने वाले पीढ़ी को वो तकलीफ़ ना पहुँचे, तो अवेयरनेस देना है। तो इस तरह से आप एकदम पीस फील करोगे। अब आपकी हो जाती है भगवान जी से बातचीत शुरू, पहले से ही शुरू होते हैं, लेकिन अब एकदम एक सेकंड की भी गैप नहीं होती है। आपने सोचा, जवाब आया, आपने बोला, जवाब मिला। तो आप जो जानना चाहते हो आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको YouTube में भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शांत होकर एक बार पूछो, तुरंत जवाब हाजिर। बहुत सारी ऐसी बातें डिवाइन बता देंगे जो शायद ही आपको गूगल से या यूट्यूब से या किसी और से जानकारी ना मिले, डायरेक्ट जानकारी दिए जाएंगे आपको। एंजल्स के साथ भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे। तो ये हो जाती है, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, उस कॉन्शियसनेस लेवल को आप अचीव कर चुके हो।
आप पास आउट भी हो जाते हो इस लेवल पे आके। तो आप जब डिवाइन से बात करते हो, आप देखो एकदम खुशी रहेगी, अंदर कुछ सीख रहे हो, बहुत आनंद की अनुभव होगी, बहुत प्यारी सी लगेगी, है ना। लेकिन जब आप डीएम से बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा फील हो जाएगा, टेलीपैथिक करते हो तो थोड़ा एनर्जी आप कभी लो फील कर सकते हो, तो आपको लगेगा नहीं कनेक्ट क्या कर रही हूँ मैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि अगर आपके डीएम के एनर्जी नीचे है तो आप उनसे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपके एनर्जी भी महसूस होगा कि हाई नहीं है, आप फील कर पाओगे, बारीक है लेकिन आपको फील ज़रूर होगा कि एनर्जी लेवल थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। उनके आसपास के जो कार्मिक्स होते हैं, वो जो झंझट के अंदर होते हैं, वो जो टेंशन्स में रहते हैं डीएम, तो वो जो उनके सिचुएशन चल रहा है आप उसको महसूस कर पाओगे। तो आप जब भी उनसे 5D में मिलते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अवेकनिंग होंगे, डीएम जैसे कंप्लीट अवेकन हो जाएंगे, फिर आप हाई वाइब्स फील करोगे। लेकिन जब तक वो नहीं कंप्लीट हो पाए हैं, आपसे डाउन में रहे हैं कॉन्शियसनेस लेवल में, तो आपको वैसा महसूस हो सकता है। एंड जैसे जैसे डीएम हाई पे पहुंच जाएंगे, फिर डीएम आप डिवाइन जब बातें करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरे डीएम बात कर रहे हैं, ये डिवाइन बात कर रहे हैं, ये मैं बात करूँ। या तो आप डायरेक्ट भी बात करोगे तो फिर आप पास आउट हो जाओगे, तो आपके डीएम भी ऑब्वियसली पास आउट होने वाले होंगे या हो जाएंगे, तो फिर वो हाई वाइब्रेशन में आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आप बात कर रहे हो डीएम से अपने पुराने बातें, जैसे समझो अचानक से आप कुछ याद आ गया कि आपके बबल फेज में क्या क्या हुआ था, ऑल ऑफ सडन कुछ और काम कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि वो जो अचानक से याद आया वो डीएम अपने कॉन्शियसनेस में सोचे हैं, तो आपको ऑल ऑफ सडन याद आ जाते हैं। तो तब आप समझोगे कि आप अपने डीएम से बात कर रहे हो, टेलीपैथिक आप कनेक्टेड हो, कॉन्शियसनेस दोनों का मिल चुके हैं और सबकॉन्शियस माइंड से आप एकदम कनेक्टेड हो चुके हो, आप दोनों कम्प्लीटली 5D में अपने आप को महसूस कर पाओगे। और इस टाइम पे एनर्जी देने लेने की कोई डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके डीएम ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन वो अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम पेज पर हो, इक्वल इक्वल हो एनर्जी से, तो यहाँ पे और कोई टेंशन नहीं है। और डिवाइन से तो आप दोनों ही 24/7 कनेक्टेड हो। तो आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बदल जाती है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जैसे सोचते हैं वो हमारे साथ घटित होते हैं, बिल्कुल छोटे से छोटी बड़ी सी बड़ी, हम जैसे जैसे कर्म करना चाहते हैं वो हमारे साथ अवश्य होता है। हम को क्रिएटर बन जाते हैं और हम क्रिएटर भी बन जाते हैं, डिवाइन हमें और अच्छे से क्रिएट करने के लिए सब कुछ देने लगता है, जो प्रोवाइड कर सकते हैं डिवाइन एंजल हमारे साथ होते हैं 24/7, हमारे लिए हर अच्छी सुख सुविधा है, रास्ता सारे हमारे सामने ओपन करते हैं और हम आगे बस चलते रहते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी में हम हैं, डिवाइन हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और हम फिजिकल बॉडी से जो जो वर्क कर सकते हैं हम वो करते हैं। कॉन्शियसनेस लेवल पे डिवाइन हमारे साथ होते हैं, हम जो सोचते हैं वो भी हमारे साथ सोचते हैं और वो हमें वर्न भी करते हैं इस टाइम पे और बताते भी हैं ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, ये इस तरह से करो। और हम दुनिया में एक नया लेवल, एक मिरेकल, एक नया युग की परिवर्तन करने में डिवाइन के सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।